वेलकम टू कुक इजी एंड डिलीशियस। कुक इजी एंड डिलीशियस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं कोफ्ते। कोफ्ते खाना सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। कई तरीके से लोग कोफ्ते बनाते हैं। मैं बहुत सिंपल और इजी रेसिपी के साथ आपके साथ कोफ्ते बनाना शेयर करूँगी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम बीफ का मीन्स लिया है। आप चाहे तो मटन या चिकन कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज और 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 टेबलस्पून भरकर फ्रेश हरा धनिया। और उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे अपने मसाले। 1/2 टेबलस्पून में यहाँ पर कोरिएंडर पाउडर डालूंगी और 1/2 टेबलस्पून ही सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला। उसके बाद कोफ्तों की अच्छी बाइंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एक एग कर देते हैं। एग से क्या होता है, कोफ्ते फटते नहीं है और क्या होता है, ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। उसके बाद 4 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर भुने हुए चनों का पाउडर इस्तेमाल किया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक डो तैयार कर लेंगे इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे, इस डो को 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, अब इनके कोफ्ते बनाएंगे। हाथों पर हल्का सा पानी लगाएं और दबाते हुए छोटी छोटी गोल बॉल्स तैयार कर लें। मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ रखा है और एक हाथ से आपको करके दिखा रही हूँ, इसीलिए थोड़ा देखने में वो होगा, लेकिन आप इसी तरीके से सारी बॉल्स को तैयार कर लें और देखते रहे कि उनके अंदर क्रैक्स ना आए। बॉल्स हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं, इन्हें हम साइड में रख देंगे। अब हम तैयारी करेंगे ग्रेवी की। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून भरकर तेल लिया है, बड़ा वाला चम्मच। उसके अंदर प्याज को, एक बड़ा प्याज था, तलने के लिए डाल दिया। प्याज जब हमारी ब्राउन हो जाएगी तो उसे हम निकाल लेंगे और उसी तेल के अंदर हम कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे। ज़ीरा 1 टेबलस्पून, दालचीनी के टुकड़े और 1/2 टेबलस्पून जावित्री पाउडर, 3 से 4 काली मिर्चें, हरी इलायची, 2 लौंग, 1 बड़ी काली इलायची। इन सारे मसालों को तेल के अंदर ऐड कर देंगे। जब ये मसाले हमारे सारे अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे तो अदरक लहसुन का पेस्ट हम क्या करेंगे, इनके अंदर ऐड कर देंगे। और 2 बड़े टमाटर की मैंने प्योरी बनाकर रखी थी, वो भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। अब जाएंगे हमारे मसाले। तो हम डालेंगे इसके अंदर नमक। नमक आप शुरू में कम ही डालेंगे क्योंकि कोफ्तों के अंदर भी नमक होता है और ग्रेवी में भी, तो बाद में नमक आराम से डल जाता है, तो शुरू में कम रखें। 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 हल्दी पाउडर डाला था मैंने पहले। और अब डालेंगे कोरिएंडर पाउडर 1/2 टेबलस्पून। और इन सारे मसालों को अच्छे से, बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है कि जब मसाले में से तेल अलग हो जाए, मसाले का कलर चेंज हो जाए, उस स्टेज तक आपको क्या करना है, मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर दे रही हूँ ताकि मसाला हमारा जले ना और अच्छे से क्या हो जाए, मसाला पक जाए। 2 हरी मिर्चें भी मैंने बीच में से तोड़कर इसके अंदर ऐड कर दी हैं। जो प्याज हमने तली थी उसे 1 कप दही के अंदर मिक्स करके उसको फाइन पेस्ट बना लेंगे और उसे भी कोफ्तों के अंदर शामिल कर देंगे। कोफ्तों की ग्रेवी के अंदर क्या कर देंगे, उसे भी डाल देंगे। अब सारे मसाले को हमने अच्छे से मिक्स करके और भूनना है 4 से 5 मिनट के लिए। इससे क्या होता है, प्याज को दही के साथ पीसने से क्या होता है, कोफ्तों की ग्रेवी का कलर जो है ना बहुत ही अच्छा आता है और स्मूथ टेक्सचर हो जाता है और इसकी ग्रेवी जो है एकदम बहुत ही परफेक्ट बनती है। अब इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने कोफ्ते ऐड कर देंगे। आप चाहें तो कोफ्तों को फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी सिंपल तरीके से कोफ्ते बनाना सिखा रही हूँ तो मैं नॉर्मली कोफ्तों को इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ये सारे कोफ्ते मैंने ऐड कर दिए हैं। अब एक प्लेट से इन्हें कवर कर देंगे, थोड़ा सा साइड से खुला रहने देंगे और ताकि हमारा जो कोफ्तों का मीन्स है अच्छे से कुक हो जाए। ये देखिए 10 से 12 मिनट तक मैंने इसे ऐसे ही पकाया था और 10 से 12 मिनट बाद आप इसका कलर देख सकते हैं, कितना अच्छा कलर आ चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। तो फ्रेश हरा धनिया डालेंगे। कोफ्ते बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी बनी है। अब आप इन्हें सर्व कीजिए, खाइए नान के साथ, रोटी के साथ, जैसे भी आपको अच्छा लगे। आई होप आपको मेरा भी वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।